हेलो एवरीवन, दिस इज मी उस्मान एंड यू गाइस आर वाचिंग टीली फुटबॉल पैंडासा। आज फिर जर्मनी में अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा बात शूट करते हैं। बिग गेम कमिंग अप ऑन वेडनेसडे, सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड एट बर्नाब्यू, एंड व्हाट एन अमेजिंग गेम इट वाज इन द फर्स्ट लेग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मैं बार बार कह चुका हूँ, आई नेवर वॉन्टेड इट वेंट। मैं चाहता था कि 30 मिनट्स का ब्रेक लेके दोबारा गेम स्टार्ट हो जाए, सेकेंड लेग भी उसी टाइम खेली जाए, बिकॉज इट वॉज एन एब्सोल्यूट थ्रिलर। सिटी वर द बेटर टीम ऑन द डे, बट एज ऑलवेज रियल मैड्रिड वर एब्सोल्युटली क्लिनिकल, जो कि वो थ्रू आउट द सीजन रहे हैं, एंड दैट्स वाई इट एंडेड 4-3 इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर सिटी। एंड रियल मैड्रिड आर वेरी मच इन इट, और दे कैन ऑब्वियसली टर्न द टाई अराउंड। इफ आई टॉक अबाउट सिटी, आई थिंक सिटी वर एक्सेप्शनल, दे वर वेरी गुड। क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है सिटी को, कंसर्निंग लाइनअप के ऊपर तो बात करते हैं। द कंसर्निंग थिंग्स फॉर सिटी आर कि उनको दे हैव टू फिनिश, दे हैव टू टेक देयर चांसेस, दे मिस्ड अ लॉट ऑफ चांसेस, वुड हैव इजीली बीन 6-7 गोल्स इजीली। ऐसा नहीं है कि चांसेस क्लियर कट नहीं थे, कम अज कम 8-9 चांसेस उसके बाद क्लियर कट थे। तो दिस मीन्स दैट दे हैड फुल कंट्रोल इन द मिडफील्ड, दे वर क्रिएटिंग द चांसेस बट दे वर नॉट फिनिशिंग द चांसेस। दूसरी चीज सिटी को अच्छी कर रही ये है कि दे हैव टू बी सॉलिड एट द बैक। सिली दे वर सॉलिड एट द बैक, बट सिली मिस्टेक्स की जिन्होंने की वजह, स्पेशली जो थर्ड गोल पेनल्टी गिव अवे की, या फिर वो जो गोल पोस्ट के ऊपर हिट हो गया, ऑल्दो वो ऑफ साइड था, और दे वर डूइंग सिली मिस्टेक्स, दे वर मेकिंग श्योर के रियल मैड्रिड जो है शुरू के 20 मिनट के बाद कम बैक कर ले। तो उसके बाद ही थोड़ा बहुत रियल मैड्रिड कॉन्फिडेंस आया, शुरू के 20 मिनट बिल्कुल सिटी ने डोमिनेट किया। तो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी सिटी को एट द बैक। नॉर्मली दिस इज वट हैपन्स विद सिटी इन द चैंपियंस लीग गेम्स नॉकआउट्स के अंदर, कि वो डिफेंस के ऊपर सिली मिस्टेक्स करते हैं व्हेन दे आर ट्राइंग टू प्ले द बॉल फ्रॉम द बैक। आई नो दे हैव टू डू इट, दिस इज देयर फिलोसफी, दिस इज देयर कल्चर, लेकिन फिर भी दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। जहाँ पे पास बनता वहाँ पे दें, जहाँ पे पास नहीं बनता इट डज नॉट मैटर, यू हैव द नॉकआउट स्टेज। आप रिस्क नहीं लें, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लें जितना लेती है सिटी। सो दिस वॉज सिटी। रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट रियल मैड्रिड लास्ट गेम के अंदर, तो कैसेमिरो वॉज नॉट अवेलेबल, दैट वॉज अ ह्यूज मिस। और उसके बाद क्रूज वॉज अ मिस मैच इन सी डी एम पोजिशन, बिल्कुल भी भाई सी डी एम पोजिशन पर उसको ना खिलाएं। आई एम नॉट सेइंग ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, बट इन हिज पोजिशन उसको लेफ्ट साइड पर खिलाएं अगर आपने खिलाना है। अगर आपने कैसेमिरो विल बी बैक, तो कैसेमिरो को सी डी एम खेलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि माइट बी कैसेमिरो ने सेंटर बैक स्टार्ट किया, तो शायद सेंटर बैक खिला लिया जाए, क्या करेगा एंचेलोटी, क्योंकि अलाबा जो है वो डाउटफुल है। क्या वो नाचो और मिलिटाओ के साथ जाता है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, या फिर वो मिलिटाओ और कैसेमिरो के साथ जाता है। लेकिन आई वुड से कि सेंटर बैक्स के साथ जाना चाहिए, आपको कैसेमिरो को उसकी प्रेफर्ड पोजीशन में खिलाना चाहिए, लेकिन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कैसेमिरो सेंटर बैक खेले, क्रूज को फिर वो सी डी एम खिला दे, और फिर फेडी वेलवर्डे भी खेले, मॉड्रिच भी खेले, तो जिस तरह पीछे हुआ था, और रोड्रिगो भी खेले। बट आई वुड प्लेस कैसेमिरो इन द सी डी एम पोजिशन, और क्रूज को मैं उसकी ओरिजिनल पोजिशन में खिलाऊंगा। अब ये कन्फ्यूजन है कि फेडी वेलवर्डे को खिलाया जाए ना खिलाया जाए, अगर ये कैसेमिरो जो है वो सेंटर बैक सी डी एम पोजिशन में खेलता है, तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन दैट एंचेलोटी हैव टू आस्क। इफ यू आस्क मी, आई वुड गो फॉर अ वाइड प्लेयर, क्योंकि आई नो के कहीं ना कहीं सिटी के पास जो है वो प्लेयर्स कुछ अवेलेबल नहीं है। आई नो के वॉकर अवेलेबल नहीं है, तो दोनों साइड से मुझे वाइड प्लेयर्स चाहिए, बिकॉज यू नीड एन आउटलेट ऑन बोथ साइड्स अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, वरना आप प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। नॉर्मली विनीशियस वुड बी द पर्सन हु रिसीव्स द बॉल, और वहाँ से वो लिंक अप प्ले करता है, और वहाँ से प्रेडिक्टेबिलिटी शुरू हो जाती है, और थोड़ा सा इश्यूज होने लग जाते हैं रियल मैड्रिड को। और हमने थ्रू आउट द सीजन ये देखा है कि चेल्सी भी दे वर एबल टू कंटेन विनीशियस एंड बेंजेमा एट्स अंटिल सम पॉइंट, जब तक रोड्रिगो राइट साइड पे नहीं आया था। सेम गोज विद पीएसजी, वहाँ पे भी कंटेन कर चुकी थी फर्स्ट लेग के अंदर पीएसजी, जब रोड्रिगो नहीं था। सेकंड लेग में भी आपको पता है रोड्रिगो आया, एक आउटलेट मिला, तो फिर वहाँ पे जाके थोड़ा सा डेंजरस होने लगी थी दोबारा रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड हैज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर, लेकिन अच्छी चीज़ रियल मैड्रिड के लिए है कि उन्होंने अपने सारे मेन प्लेयर्स को, ऑलमोस्ट सारे मेन प्लेयर्स को रेस्ट कराया जो लास्ट टाइटल विनिंग मैच था उनका होम के ऊपर। ये लग्जरी सिटी को नहीं थी हासिल मेरा ख्याल में, क्योंकि उन्होंने ऑल दो दे रेस्टेड केविन डी ब्रुइने, बर्नार्डो सिल्वा, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा प्लेस खिलाने पड़े, बिकॉज ऑब्वियसली लिवरपूल जो, और लिवरपूल के साथ नेक टू नेक लीग टाइटल चल रहा है, तो ये एक एडवांटेज है रियल मैड्रिड को इस सीज़न के, उनको
लेक चूंकि उनकी रैप अप हो गई हुई थी, तो वो वहाँ पे बिल्कुल उन्होंने रेस्ट करा दिया और फ्रेश रहेंगे यहाँ पे प्लेयर्स, तो ये एक एडवांटेज है। लेकिन इस तरह का एडवांटेज रहता है, लास्ट ईयर रियल मैड्रिड को ये एडवांटेज नहीं था क्योंकि लीग भी बहुत क्लोज जा रही थी, लेकिन वो चेल्सी के अगेंस्ट खेल रहे थे तो चेल्सी को भी वो एडवांटेज नहीं था क्योंकि वो टॉप फोर के लिए फाइट कर रहे थे। लेकिन नॉर्मली बायर्न म्यूनिक को ये हमेशा एडवांटेज रहता है, पीएसजी को ये एडवांटेज रहता है, ऑल्दो वो कभी भी उसको यूटिलाइज नहीं करती उस एडवांटेज को। तो एक ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड स्टिल से कि स्टार्टिंग 11 जो है वो ज़्यादा सेटल लग रही है। आई थिंक वॉकर इज डाउटफुल, स्टोन्स इज डाउटफुल, तो एक हेडेक है। नेथन आके वॉज ऑल्सो फीलिंग डिस्कम्फर्ट इन द लास्ट मैच, तो एक हेडेक है कि राइट बैक के ऊपर कौन खेलेगा, दैट्स ह्यूज हेडेक। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा तंग राइट साइड से ही विनीशियस ने किया था क्योंकि फर्नांडिनो उसकी मैर उसकी पोजिशनिंग बहुत अच्छी है, बट जहाँ पे पेस से कम्पीट करना पड़ेगा तो वहाँ से वो स्ट्रगल करेगा, और वो सेकेंड गोल रियल मैड्रिड का परफेक्ट एग्जाम्पल था इस चीज़ का। तो मैं यही कहूंगा कि सिटी के लिए भी हेडेक है राइट बैक पोजीशन के अंदर कौन खेलता है, क्या वॉकर अवेलेबल होगा। एज ऑफ नाउ वॉकर और स्टोन्स जो है वो डाउटफुल हैं, आगे क्या होता है बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन मंडे, आज मंडे है तो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर के टाइम, तो आई डोंट नो। लेकिन एक हेडेक है, लेकिन रियल मैड्रिड के लिए के पास इससे ज़्यादा हेडेक है। अगर अलाबा अवेलेबल नहीं होता तो सेंटर बैक या नाचो मिलिटाओ स्टार्ट करेंगे, कैसेमीरो स्टार्ट करेगा, कैसेमीरो सीडियम खेलेगा, तो क्या फेडी वलवर्डे बैठेगा या रोड्रिगो बैठेगा। इफ यू आस्क मी आई वुड प्ले वाइड प्लेयर्स, ठीक है, तो उसके अंदर मैं क्रूज को सीडीएम नहीं खिलाऊंगा। तो ये एक काफी क्वेश्चंस मार्क है। एडवांटेज यही तो मजा है इस टाइप का कि कुछ एडवांटेजेस सिटी के पास हैं, कुछ डिसएडवांटेज सिटी की बात है। एडवांटेज सिटी का ये है कि उनके पास ज्यादा प्लेयर सेटल है, रॉड्री हैज बीन एक्सेप्शनल, गोल स्कोर करा रहे हैं, डिफेंसिव वर्क करा रहे हैं, गेम को कंट्रोल करा रहे हैं, रोड्री हैज बीन एक्सेप्शनल, सो ही कैन बी द की प्लेयर। ऑब्वियसली केविन डी ब्रुयने इज देयर। उनका डिसएडवांटेज सिटी का ये है कि वो जो है वो लीग के अंदर अभी कम्पीट कर रहे हैं तो उतना ज्यादा प्लेयर्स को वो रेस्ट नहीं करा सके। रियल मैड्रिड का एडवांटेज ये है कि वो प्लेयर्स को रेस्ट उन्होंने करा लिया, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है एंड दे हैव टू बेसिकली मेक श्योर कि कहाँ कैसे एडजस्टमेंट की जाए, कैसे मीरो को कहाँ खिलाया जाए कि एक परफेक्ट यूनिट बन सके। आई थिंक रियल मैड्रिड इफ आई टॉक अबाउट द गेम क्या करना चाहिए, सिटी हैव टू डू वट वट दे आर डूइंग, डोंट डू सिली मिस्टेक्स। बहुत गोल स्कोर कर रही है सिंस द लिवरपूल डिफीट इन द एफ ए कप, मेरे ख्याल में उन्होंने 5 गोल स्कोर किए हैं, फिर 3 किए हैं, फिर 4 4, तो दे कैन स्कोर गोल्स। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मैच, आई वुड बी शॉक्ड कि 0-0 एंड होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्स इन दिस मैच, तो दे हैव टू गो फॉर गोल्स। जो टीम पहला गोल कर लेगी, अगर सिटी पहला गोल कर लेती है तो टाई किल ऑफ ऑलमोस्ट हो जाएगा, ऑल्दो विद रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग के नॉकआउट आप कभी भी टाई किल नहीं कर सकते। एक गोल अगर कर भी देती है सिटी, लेकिन बहुत ज्यादा था, मतलब कि 80% चांस हो जाएगा सिटी का टू गो थ्रू। रियल मैड्रिड को क्या करना है यार, रियल मैड्रिड का ना जो फर्स्ट लेग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना, एक तो क्रूज को मैंने आपको बताया कि वो सीडीएम पोजीशन में खेल रहा था, उसकी गलती नहीं है, वो ऑटो पोजीशन खेल रहा था, वो मजबूरी थी, लेकिन मिडफील्ड के अंदर गैप होता, सिटी के एक साथ खेलते हुए आप मिडफील्ड के अंदर इतना बड़ा गैप नहीं दे सके। तो 4 डिफेंसिव प्लेयर क्रूज और मॉड्रिच थोड़ा सा पीछे आता था, वरना जो 4 आगे प्लेयर्स हैं, आई नो इस तरह उनके गोल्स निकलते हैं, उन्होंने इसी तरह गोल मारे हैं कि वो आगे 4 प्लेयर रखते हैं जो कि रोड्री रोड्रिगो था, वेलवर्डे था, बेंजिमा था और विनीशियस था, जिसपे गोल निकलते हैं। लेकिन यार आप सिटी को इतनी ज़्यादा मिडफील्ड के अंदर स्पेस नहीं दे सकते, दे विल बी दे वर स्ट्रॉलिंग इन द पावर, उन्होंने चांस ले लिए होते तो रियल मैड्रिड टाई से निकल गई होती। लेकिन यही बात मैं बस रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि मिडफील्ड के अंदर इतना गैप नहीं दे सकते, आप यू हैव टू बी कॉम्पैक्ट। आप पेस यूज करें, आपके पास पेस है तो आपको इतना ज्यादा गैप देने की जरूरत नहीं है टू अटैक, आप फिर भी अटैक कर सकते हैं इफ यू आर कॉम्पैक्ट एट द बैक। आप बेंजिमा को ऊपर छोड़ दें, मे बी विनीशियस को ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन फेडी वलवर्डे को और मिडफील्ड को थोड़ा सा कंपैक्ट रखें। इतनी स्पेसेस अगर आप बर्नार्डो सिल्वा को, रॉड्री को और आप केविन डी ब्रुयने को स्पेशली देंगे तो फिर वो तो गेम किल कर देंगे कुछ ही मिनट्स के अंदर। तो दिस इज व्हाट दे हैव टू डू रियल मैड्रिड। आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट गेम, एंचेलोटी वर्सेस पेप गार्डियोला, स्टेक्स आर वेरी हाई फॉर बोथ द टीम, स्पेशली फॉर पेप गार्डियोला, क्योंकि वहाँ पे चैंपियंस लीग का एक अलग प्रेशर रहता है कि चैंपियंस लीग जीतनी है, और दूसरा यह है कि इतना आसान नहीं है, कोई ट्रॉफी अभी तक कन्फर्म नहीं हुई, रियल मैड्रिड की कन्फर्म हो गई हुई है तो दे वुड बी लिटिल बिट रिलैक्स, लेकिन कंप्लेसेंट नहीं होना रियल मैड्रिड में। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड गेम, गोल फेस्ट, आई होप कि वैसा ही रहे, बट दैट वॉज द बेस्ट गेम ऑफ द सीजन इन माई ओपिनियन इन द चैम्पियंस लीग। लेकिन बहुत मुश्किल होगा उसको टॉप करना, लेकिन आई रियली होप कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम। माई प्रडिक्शन इज दैट सिटी आर गोइंग टू गो थ्रू, आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज
मोस्ट पीपल वुड गेट हर्ट, आई एम अ बार्सिलोना फैन. यार यू हैव टू गिव इट टू सिटी, 50, इट्स अ वेरी क्लोज इनकाउंटर, 55-45, एंड सिटी शोड इन द फर्स्ट लेग ऑल्सो दैट दे वर द बेटर टीम. दे वर नॉट क्लिनिकल, रियल मैड्रिड वर क्लिनिकल फेयर इनफ, बट दे वर द बेटर टीम, दे वर प्लेइंग बेटर फुटबॉल. और अगर वो उसी तरह खेलते हैं तो आई सी के दे विल स्कोर एटलीस्ट वन मोर गोल देन रियल मैड्रिड, जो कि पहले टाई भी हुआ. बट यू कैन नेवर काउंट आउट रियल मैड्रिड, आई ऑलवेज से इन द चैंपियंस लीग दे आर एब्सोल्युटली किंग्स इन द चैंपियंस लीग. मॉन्स्टर मेंटेलिटी, बर्नाब्यू, थिंग्स आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. बट आई एम गोइंग फॉर आई थिंक इन दिस गेम 3-2 विन फॉर मैनचेस्टर सिटी. डू लेट मी नो योर प्रेडिक्शन इन द कमेंट सेक्शन के कौन जा रहा है फाइनल में इस बार चैंपियंस लीग के. कंटेंट अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. कीप एंजॉयिंग फुटबॉल अंटिल नेक्स्ट टाइम. इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी.